जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्रेष्ठ ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है सागर जोशी जी की है। सागर जोशी जी, आपकी जो बर्थ डिटेल है उसका मिलान कीजिए। 24/10/1996 बर्थ डेट है। 11:35 AM बर्थ टाइम है। टेहरी गरवाल जिला उत्तराखंड। आपने पूछा प्रशासनिक सेवा के बारे में। आपका जो लग्न निकल के आया वो धनु लग्न है। मीन राशि है आपकी, 13 डिग्री का लग्न है, तो लग्न कमजोर अवस्था की ओर है, इतना मजबूत नहीं है। धनु और मीन, धनु लग्न है, मीन राशि है, तो दोनों के स्वामी गुरु होते हैं, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। पाया लोहे का है, वर्ण ब्राह्मण है। वर्ण ब्राह्मण जब होता है तो राहु कष्ट ज़्यादा देता है। महादशा बुध की है, 14/9/2027 तक। अंतरदशा 30/9/2022 तक राहु की चलेगी, इसके बाद में गुरु की दशा चलेगी। सूर्य जो है आपके भाग्य से है, नीच के होकर बुध के साथ बैठे हुए हैं। आपने पूछा प्रशासनिक सेवा, तो सूर्य नीच के ऊपर बैठे हैं, सरकारी नौकरी के ये कारक होते हैं। और वहीं चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में शनि के साथ विष योग बनाकर बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, चंद्रमा पर विराजमान, सुख भाव में, मकान वाहन के भाव में, तो आपको तकलीफें आएंगी। तो ये प्रशासनिक सेवा के चांस नाक के बराबर हैं। आप गुरु आपका मजबूत है, अच्छा है, तो आप स्कूल कॉलेज आदि खोल सकते हैं, कोचिंग आदि चला सकते हैं, टीचिंग का प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। बुध की महादशा चली हुई है, तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहें, घर वालों के साथ ही रहें, घर वाले जैसा कहें वैसा करें, उनसे सलाह अवश्य लें, झूठ ना बोलें। थोड़ा सा बुध में राहु का अंतर आता है तो बच्चा बुद्धि हो जाती है, तो बुध भ्रमित भी कर देता है, क्योंकि नपुंसक ग्रह होता है, जो भी ग्रह की अंतरदशा आती है उसके अनुरूप बुध फल देता है। सूर्य नीच के साथ बैठा हुआ है, तो अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करें, पढ़ाई पर ध्यान दें, भगवान गणेश के व्रत करें। 11/21/51 बुधवार से, शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करें, और संकटनाशक गणेश स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष, बुध के मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राउम सह बुधाय नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राउम सह बुधाय नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। तुलसा जी, आंवला, मतलब जितने भी हरि वृक्ष हैं उनमें जल चढ़ाएं, उनकी सेवा करें, तो बुध अच्छा फल देता है। कहीं पर भी जाएं, इलायची खाकर जाएं, इससे भी बुध अच्छा रिजल्ट देता है। आंवले का सेवन कीजिए, आंवले का दान कीजिए, बुध अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि बुध आपके सप्तमेश और कर्मेश दोनों हैं। किन्नरों को हरी सब्जियों का दान करें, अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। चंद्र शनि की शांति अवश्य करवाएं, अनुष्ठान अवश्य करवाइए, हवन अवश्य करवाइए, चंद्र शनि की विष योग होता है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता की सेवा करें। गवर्नमेंट जॉब जो है उसके चांस आपके 14/9/30/9/2022 बाद बनेंगे, जब बुध में गुरु का अंतर आएगा तब तक के लिए आप टीचिंग का प्रयास कीजिए। टीचिंग में आप अपने हाथ आजमाइए, वहाँ से आपको चांस मिलेगा। प्रशासनिक सेवा तो ना के बराबर है, क्योंकि सूर्य नीच का होकर बैठा है। शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है,
नखून काट के रखने हैं, बाल सही रखने हैं, पैर साफ, उसके के साथ बिस्तर की तय बनाइए, किसी पवित्र नदी का जल डालकर स्नान कीजिए तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। छोटे बच्चे अगर आपके आसपास हैं तो उनको प्रेम कीजिए, कोई ना कोई उपहार चॉकलेट अवश्य दीजिए, इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा, आपको जो राह में परेशानी आएंगी वो दूर हो जाएंगी। आपका जब वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, परेशानी आएगी, तो आप कुंडली अवश्य जाँच करवाइएगा, अभी फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हैं आपके कुंडली का हाल, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ब्राह्मण वर्ण है और कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में राहु का बैठना, तो कर्मों पर अपने ध्यान दीजिएगा, माता पिता से संबंध सही रखिएगा, आगे काम आएगा। तो ये था आपके कुंडली का हाल। दोस्तों यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट अवश्य करिएगा और बेफिक्र होकर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, घबराइएगा मत, कोई फीस नहीं ली जाती, निशुल्क है सेवा। बस इतना आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि धन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों का कर्तव्य था जो तैयार करके देकर चले गए, हमारा कर्तव्य है आप लोगों तक पहुँचाना, बस सही गाइड करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो बस आप फटाफट लोगों को शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सअप, पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।